हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। आपका मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी मूवी है 6 Days 7 Nights। कहानी को पूरा समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो करें शुरू। रॉबी, जो कि न्यूयॉर्क एडिटर होती है डैजल नाम के फैशन मैगजीन में, उसका 3 साल से एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम फ्रैंक है। वो उसे मकाइटा, एक आइलैंड साउथ पैसिफिक में, एक वीक लॉन्ग वैकेशन का सरप्राइज देता है उसे। उनकी फाइनल जर्नी मकाइटा में विंटेज डे हैवीलैंड कनाडा DSC-2 वीवर में है, जिसका पायलट एक अमेरिकन क्वीन होता है। उनके साथ क्वीन की लैटिना गर्लफ्रेंड एंजेलिका भी होती है। आइलैंड के फर्स्ट नाइट पर फ्रैंक रोबिन को प्रपोज करता है और वो हैप्पीली एक्सेप्ट भी करती है। एक बार में क्वीन, जो कि ड्रंक होता है, और वो रोबिन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और अनसक्सेसफुली उस पर हिट करता है। अगले दिन सुबह रोबिन की बॉस उसे अपनी वैकेशन इंटरप्ट करके कहीं जाने के लिए कहती है, फैशन शूट के सुपरवाइज करने के लिए। इसलिए वो क्वीन से कहती है उसे वहाँ लेके जाने के लिए, उसे $700 दूंगी भी कहती है। पर जाते वक्त अचानक थंडरस्टॉर्म आता है और वो प्लेन के व्हील डैमेज होने की वजह से एक आइलैंड पर आके गिरता है। ट्रांसमीटर और रेडियो गुम हो जाता है। क्वीन को लगता है कि वो वही आइलैंड पर है जहाँ हाई हील पर सिग्नल भी कम है, और अगर वो डिसेबल हो जाता है तो रिपेयर क्रू भी भेजते हैं। पर हील पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो डिफरेंट आइलैंड पर आके पहुँचे हैं। इधर मकाइटा में फ्रैंक और एंजेलिका अपने मिसिंग पार्टनर्स को ढूंढने के लिए एरियल सर्च पार्टी के साथ जाते हैं, पर कुछ दिनों बाद वो सर्च अनसक्सेसफुल हो जाता है और वो ऑफ हो गए ऐसा डिक्लेयर करते हैं। फ्रैंक भी बिलीव करता है और ड्रंक हो जाता है, और जब एंजेलिका उसे सेड्यूस करती है तो वो उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। क्वीन और रोबिन आइलैंड कोस्ट पे बोट देखते हैं और लाइफ राफ्ट के हेल्प से वहाँ उसके पास जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक दूसरे के बाजू में 2 वेसल हैं। वो लोग देखते हैं कि एक आदमी को मारा जाता है और उसे बाद में पानी में फेंक देते हैं, जिसका मतलब दूसरा वेसल पायरेट्स का है। पायरेट्स क्वीन और रोबिन को वहाँ पर स्पॉट करते हैं, इसीलिए उन्हें फिर से आइलैंड पर आना पड़ता है। उन्हें कैप्चर करने के बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जंगल में छुपते हैं। तब उन्हें World War II का क्रैश्ड फ्लोट प्लेन दिखता है। वो फॉन्टम को बचाते हैं और उसे उनके डैमेज प्लेन से अटैच करते हैं ताकि वो वहाँ से निकल पाए। वो टेक ऑफ करने वाले होते हैं, फिर से पायरेट्स आ जाते हैं और बीच पर फायर शेल थ्रो करते हैं, जिसकी वजह से क्वीन इंजर हो जाता है। वो प्लेन स्टार्ट करते हैं और टेक ऑफ भी। वो पायरेट्स के ऊपर से फ्लाई करके जाते हैं और प्लेन पे शूट करते समय खुद के बोट को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। क्वीन रोबिन को क्विकली इंस्ट्रक्ट करता है कि वो प्लेन को लैंड कैसे करना है, जो कि उसे इंजरी होती है इसलिए प्लेन उसे खुद ही फ्लाई करना पड़ता है। मकाइटा पहुंचने के बाद वो एयरक्राफ्ट के बीच के पास ही लैंड कर देती है, जहां पर उनकी मेमोरियल सर्विस चल रही है। फ्रैंक को बहुत अच्छा लगता है कि रोबिन जिंदा है, पर उसे बुरा भी लगता है कि वो एंजेलिका के साथ उसने टाइम स्पेंड किया। रोबिन फ्रैंक से मिलने हॉस्पिटल जाते है और उसे अपनी फीलिंग्स बताती है, पर वो कहता है कि उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट है। रोबिन और फ्रैंक वापस न्यूयॉर्क के लिए निकलते हैं। तब वो उसे कहती है कि उसे शादी नहीं करनी, और क्वीन के लिए अपनी फीलिंग्स भी बताती है, और वो भी उसे बताता है कि उसे एंजेलिका के साथ नाइट स्पेंड की। उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि वो दोनों अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते, इसीलिए रोबिन उसे एंगेजमेंट रिंग भी वापस करती है। क्वीन को रियलाइज़ होने की वजह से वो एयरपोर्ट जाता है रोबिन को ढूंढने, पर उसे पहुंचने में लेट हो जाता है। पर बाद में उसे रोबिन दिखती है, जो कि प्लेन टूक ऑफ होने के पहले ही वहाँ से उतर जाती है, और क्वीन को वहाँ देख के सरप्राइज भी हो जाती है। क्वीन उसे अपनी फीलिंग्स बताता है और दोनों साथ हो जाते हैं। मुझे पर्सनली ये मूवी अच्छी लगी, स्टोरी बहुत अच्छी है और रोमांटिक। आप सबको इस मूवी का रिव्यू कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बहुत सारी मूवीज़ का रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।